Hello everyone, in this video we will talk about the document to be kept ready before document verification. These are the essential documents you should not be careless about. You must watch this video with high resolution as some pages are little bit faded. So these are the instructions you will get before you are called for document verification. So guys, first of all, sare document original hone chahiye. जेरोक्स नहीं चलेंगे। यहाँ कॉल लेटर के साथ एडमिट कार्ड लेके भी जाना है जो आपने ऑनलाइन टेस्ट के लिए प्रिंट किया हुआ था। फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ योर एज, एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट, डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, साफ साफ लिखा हुआ है योर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सेलेक्शन फेलिंग विच। इसका मतलब है अगर ये आप ओरिजिनल में अगर नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे वहाँ पे, तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ एज प्रूफ ऑफ एज, ये तो क्लियर है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, फिर बैचलर्स और पीजी डिग्री सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल, ये सारी क्लियर है। एंड बैचलर्स डिग्री एंड पीजी डिग्री के मार्कशीट चाहिए रहेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं सीजीपीए कन्वर्जन के ऊपर। बहुत सारे कैंडिडेट CGPA कन्वर्जन के ऊपर डाउटफुल रहते हैं। CGPA कन्वर्जन के लिए सारी यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी फार्मूलाज होती हैं। ये फार्मूला आपको अपने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, व्हेनेवर CGPA इन ए डिग्री इज अवार्डेड द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज पर नॉर्म्स अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप लोगों को CGPA कन्वर्जन की डॉक्यूमेंट भी ले जानी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट चलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर, OBC, NCL, ST, SC एक्सेट्रा। तो यहाँ देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज। इसका मतलब है फुल्ली लेटेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए रहेंगे। यहाँ पे लेटेस्ट का मतलब है अराउंड वन ईयर। एंड फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आपने रिसेंटली OBC सर्टिफिकेट बनवाया है तो। एंड ध्यान रहे, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ही रहनी चाहिए, अदरवाइज आपको जनरल के तौर पे लिया जाएगा। अगर आप अभी करेंटली सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हैं देन आपको NOC चाहिए रहेगा। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है अदर डॉक्यूमेंट्स सच एज अंडरटेकिंग टू रिजाइन इन द इवेंट ऑफ सिलेक्शन, एक्नॉलेज्ड कॉपी ऑफ अप्लाइड NOC, रेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक्सेट्रा शैल नॉट बी कंसिडर्ड इन प्लेस ऑफ NOC। तो पर्टिकुलरली NOC ही देना पड़ेगा, उसके जगह कुछ और नहीं चलने वाला। तो देखते हैं अदर्स डॉक्यूमेंट में। Here we can see one ID proof in original, that is कुछ भी वोटर ID, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट वन सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट ऑल द एव डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ ओरिजिनल एंड वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एंड दीज आर जस्ट फॉर योर गाइडेंस that you are advised to come for the document verification only if you carry the ever mentioned document in original and also if you are meeting the eligibility criteria as per the advertisement and the rest you can read by yourself. And aage dekhte hain about transportation accommodation। और यहाँ पे देख सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी यहाँ पे AC 3 टायर की फेयर देती है और एक्चुअल बस फेयर देती है फॉर द शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है, थ्रू इंटरनेट बैंकिंग मिल जाएगी या फिर आप वहाँ पे अगर प्रूफ देते हैं कि आप मतलब टिकट जैसे कुछ भी ऐसा कुछ, बट 80 किलोमीटर के ऊपर होनी चाहिए जर्नी डिस्टेंस। सो गाइज, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊँगा कि वॉइस टेस्ट में एक्चुअल में किस टाइप की पैराग्राफ पढ़ने दी जाती है। So like, share and subscribe. Thank you everyone.